हमने आपसे कहा था कि भोजन में जो भी हमने बड़े कण खाए हैं, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया हो, चाहे हमने प्रोटीन खाया हो, चाहे हमने फैट खाया हो, वो सरल कणों में टूट जाता है। ये पूरा कार्य डाइजेशन का होता है। डाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस को इंग्लिश के कुछ शब्दों के माध्यम से आप लोगों को याद रखना चाहिए, और वो कौन कौन से शब्द हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, पाचन का जो प्रोसेस है इसको 5 शब्दों से समझने का प्रयास करें। नंबर 1 है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? आपने जब भोजन को ग्रहण करके मुंह में लिया, वो प्रक्रिया यानी टेकिंग दी फूड इनटू माउथ जो है वो इंजेशन के नाम से जानी जाती है। इन हिंदी के शब्दों पे मत जाइएगा, बहुत जगह पर आपको हिंदी की लाइनों में भी ये शब्द एज इट इज लिखे दिखाई दे जाएंगे। कुछ चीजें आपको याद करनी ही होंगी, आप उसके लिए अपने आप को समझा के रखिए कि मुझे हिंदी और इंग्लिश से परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ चीजें आपको नई सीखनी है, और नई सीखने के लिए चाहे फिर वो हिंदी में सीखें चाहे वो इंग्लिश में सीखें, सीखना तो है हमें, है ना। इंजेशन का मतलब हुआ कि हमने भोजन को ग्रहण किया, मुंह में लिया, तो वो इंजेशन हो गया। अच्छी बात है सर। दूसरा कदम क्या था? डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट स्मॉल इनफ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए सर, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आपने वो कल वाली बात याद करिए कि आपने एक भोजन का निवाला तोड़ा, उसके अंदर पनीर लगा हुआ है, और वो जो है वो आपके मुखमंडल में डाला जा रहा है। जब आपने उसे ग्रहण किया तो आपने प्रॉपर तरीके से उसे चबाया, चबाने के बाद उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया। जब वो छोटे छोटे कणों में टूटा तो वो इतने छोटे कणों में आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम के अंदर तोड़ दिया गया। फिर आप पूछेंगे, सर मैं तो बहुत छोटे कणों में तोड़ता ही नहीं हूँ, मैं तो कुल मिला के 4 बार चबाता हूँ और पेट में अंदर चला गया। तो आपने भले ही ना तोड़ा हो, लेकिन आपके पेट में उपस्थित जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसे बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। इवन इतने छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि आपकी जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी मेम्ब्रेन के माध्यम से वो छोटे छोटे कण इतने सरल रूप में बदल चुके होते हैं कि वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से अवशोषित किए जा सकते हैं यानी एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। तो डाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि इतने छोटे कणों के रूप में तोड़ देना कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकें, दैट इज नॉन एज डाइजेशन। अब उसके बाद क्या होता है? पासिस ऑफ मॉलिक्यूल इनटू बॉडी इंटीरियर एंड दे आर पासिस थ्रू आउट द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए कि जो भोजन आपने मुख में लिया वो आपके माध्यम से ईसोफेगस से होते हुए आमाशय में गया, आमाशय यानी कि स्टोमक में गया, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता हुआ चला गया। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को ये लाइन पता होगी कि भोजन का अधिकतम एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर पता हो तो एक बार थम्सअप करिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको पता है। जी हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन का अवशोषण हुआ, ये अवशोषित हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्म है, यानी कि ये बहुत ही माइनर माइनर छोटे छोटे कण हैं जिनको अवशोषित कर लिया गया। ये आपके ब्लड के माध्यम से, क्योंकि आपका जहां अवशोषण हुआ है वहीं पर ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है, उस ब्लड के माध्यम से ये अवशोषित हुआ भोजन आपके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो जो अवशोषित हुआ दैट इज एब्जॉर्प्शन, और अब उसे मेरे प्यारे साथियों उठा करके कहां पूरे शरीर में भेजा जाता है ब्लड के माध्यम से। तीसरी चौथी चीज है, उसका नाम है असिमिलेशन। इसमें क्या है? यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू बॉडी। जो भोजन आपका अवशोषित किया गया है इसका शरीर में उपयोग होना असिमिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसके हिंदी शब्द पर मत जाइएगा, अब ये पता नहीं ये सही भी है या गलत है, गूगल ट्रांसलेटेड है, और आप इसे असिमिलेशन ही याद करिएगा। कुछ जगह मुझे याद है कि ये स्वांगीकरण करके लिखा हुआ होता है, तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि वो कौन सा हिंदी का शब्द सही है। आप लोग साइंस में, एटलीस्ट साइंस के अंदर, बाकी तो ठीक है, आप साइंस के अंदर कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी याद करने की प्राथमिकता दीजिएगा। एसिमिलेशन में क्या हुआ? एसिमिलेशन में क्या हुआ कि जो भोजन के कण टूटे थे सरल रूप में, जैसे हमने जो बहुत हैवी हाइड्रोकार्बन खाए थे, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खाए थे स्टार्च के रूप में, माल्टोज के रूप में, अब वो सरल रूप में ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं तक पहुंच चुके हैं। आपने जो जटिल प्रोटीन खाए थे
वो प्रोटीन भी अपने सरल रूप अर्थात अमीनो अम्लों के माध्यम से पहुंच चुके हैं। ऐसे ही फैट्स जो आपने खाई थी वो फैटी एसिड्स के रूप में शरीर तक पहुंच चुकी हैं। तो कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि ये कोशिकाओं तक जब पहुंच रहा है तो वो कोशिकाओं तक यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू बॉडी, ये असिमिलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये कार्य हो गया सर। फिर आता है डेफिकेशन। इसमें क्या होता है भाई, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ने भोजन का अवशोषण कर लिया, ठीक है सर। इसके बाद जो पचित भोजन है यानी कि जो भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो पाया वो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ये पहुंचता है तो वहां पर बैक्टीरिया उपस्थित होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, ये बचे हुए भोजन को वो फीकस में यानी कि मल में बदल देता है, और मल में बदलने के पश्चात इसमें जो अतिरिक्त मात्रा में जो जल है उस जल को लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है और इसे गुदा द्वार के माध्यम से अर्थात एनस के माध्यम से इसे बाहर प्रवाहित कर दिया जाता है। ये पूरा की पूरा प्रक्रम जो है ये 5 प्रक्रियाओं में होकर के गुजरा। कौन कौन सी हुई? सबसे पहले इंजेशन, दूसरा हुआ डाइजेशन, तीसरा हुआ अब्सॉर्प्शन, चौथा हुआ असिमिलेशन और फिफ्थ नंबर पर हुआ डेफिकेशन। इन 5 प्रक्रम से होकर के हमारा डाइजेशन गुजरता है। थम्स अप करिए अगर आपको ये बात सरल रूप में समझ में आ गई हो तो। ठीक है सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुंह के बारे में मैं आपको कल बता चुका था, दांत के बारे में भी बता चुका था, सलाइवा के बारे में भी बता चुका था, टंग के बारे में बताना था। देखिए टंग के बारे में 2 सवाल पूछे जाते हैं जो प्रमुखता से आपको पता होने चाहिए। पहला सवाल ये होता है कि जीभ के अंदर कौन कौन सी स्वाद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ये जो आपकी टंग है, इस टंग में पीछे की तरफ बोले तो यहां पर, हाँ भाई, इस तरफ ये जो चीज दिख रही है यहां पर कड़वी चीजों का एहसास होता है। जो भी आप कड़वा खाते हैं, समटाइम्स बचपन में आप लोगों ने दवाइयां खाई होंगी, दवाइयां बचपन में हालांकि अभी भी खाते हैं लेकिन दवाइयों में थोड़ा विरोध ज्यादा किया करते थे आप। उस समय पर कहते थे दवा कड़वी है इसलिए नहीं खाएंगे, है ना। और उस समय अज्ञानतावश कई बार हमारा बड़ा भाई या बहन या फिर कई बार माता जी भी ये कह देती थी, एक काम कर सीधा अंदर की तरफ रख ले और वहां से तेरे को, है ना, मतलब ये दवा जो है ये कम कड़वी लगेगी, ऐसा कह के वो बोलते तो थे लेकिन हमें पता है कि अंदर रखने के बाद भी वो उतनी ही कड़वी लगती थी, है ना। रीजन है, क्या रीजन है कि दवा चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, कड़वे स्वाद का अनुभव करने वाली जो चीजें हैं वो जीभ के एकदम पीछे की तरफ हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये अनुभव हुए होंगे, अगर ऐसा कुछ याद है तो मुझे बताइएगा, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से जब आप कुछ भी मीठा चखते हैं तो आपके टोपर यानी जीभ के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर मीठे का स्वाद होता है, है ना। और इसके जस्ट बगल में यानी कि मीठे के जस्ट पैरेलल में आपके सॉल्ट यानी कि नमकीन चीजों का स्वाद होता है, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे जो है वो खट्टी चीजों का स्वाद होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर स्वाद ग्रंथियां लगी होती हैं जिनके माध्यम से आपको भोजन के अंदर स्वाद का पता चलता है। अब देखिए, ईश्वर ने इंसान को जब बनाया तो कितना अच्छे से कंडेंस करके बनाया। आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ लटका हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक बार थम्स अप करिए, मैं आपसे इसका नाम पूछूंगा चैट ऑन करके। बताइए इसका नाम जानते हैं आप क्या होता है? इसका नाम जानते हैं? टॉन्सिल नहीं है ये? नहीं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कागला। दीक्षा का आंसर सही है, घाटी, ग्लॉटिस, कागला। एक दीक्षा का आंसर सही आया, अभी तक एक विद्यार्थी का और आया है, उनका नाम ऊपर निकल गया। नेहा का आंसर भी सही है। बेटा इसका नाम है यूवूला। क्या नाम है इसका? यूवूला, याद कर लीजिएगा इसे, है ना। आप जिस भी नाम से जानते हो इधर से देख लीजिएगा, है ना, यूवूला नाम से जानते हैं इसको। अब क्या होता है ये देखो, आप लोगों ने अगर आपके मुखमंडल को ध्यान से देखा हो तो इधर देखें आप, यहां से आप सांस ले रहे हैं, ये तो चली गई सांस, ठीक है। यहां से भोजन ले रहे हैं, ये चला गया भोजन, ठीक है। सांस और भोजन दोनों एक ही जगह यानी कि इस जगह जाकर के मिले। कई बार ऐसा होता है, दोबारा देखिए आप कई बार ऐसा देखेंगे कि ये जो आपने सांस ली, कई बार आपको देखते होंगे ना, कई बार आपको नाक में धांस लग जाती है। ये जो युवला होता है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिएगा,
मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो भोजन लिया है वो भोजन असल में जैसे ही आपने भोजन अंदर की तरफ ग्रहण किया तो ये युवला जो है ये ऊपर की तरफ सरक करके भोजन के समय ऊपर की तरफ सरक जाता है और नेजल कैविटी जहां से आपने सांस ली है वो सांस आपके इस गले में जहां पर उतर रही है वहां पर ढक्कन के रूप में बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज, ये युवला क्या करता है, ये यों उठ करके ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग चीज। तो ये क्या करता है, नाक में हमारे भोजन ना घुस जाए इसका ख्याल रखता है युवला। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में और चीजें भी बताऊंगा, एक बार के लिए रुकिए, मैं एक अच्छी सी फोटो डाउनलोड करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि मैं यहां से आपको दो चीजें, क्योंकि ये श्वसन वाले काम में भी काम आएगा, क्योंकि फेरिंग्स और लैरिंग्स जो है ना मैं यहीं पर समझा देना चाहता हूँ, यहाँ वो फोटो मिसिंग है और मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए, क्योंकि जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, मतलब वन मिनट, वन मिनट होल्ड प्लीज। मैं आपका जब कंटेंट देख रहा था तो मुझे वो एब्सेंट लगी थी चीज, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास में ही उसे डाउनलोड करके दिखा दिया जाए। हाँ जी, अब देखिए आप इसे, कुछ फोटो दिखाई दी हो तो एक बार थम्स अप करिए। अब सुनिए सर, यहां पे क्या हो रहा है सर, ये आपने सांस ली थी, देखिए ये थी आपकी नाक, आपने यहां से सांस खींची, ये सांस अंदर गई इस नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से होती हुई ये सांस यों घूमती, पहले सांस का मार्ग देखिएगा क्योंकि हमको ये श्वसन पढ़ाना भी है आप लोगों को, लेकिन सांस और भोजन का रूट एक है, और क्यों आपको धांस आती है कई बार उसका भी आंसर देंगे, क्यों ऐसा कहा जाता है कि खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए वो भी समझ में आएगा। इधर देखिए, जब आपने इस प्रकार से इसे देखा तो ये ऐसे गई, यहां से देखिए बेटा ये सांस आपके अंदर जाती जा रही है, अब देखना ध्यान से, यहां के बाद ये अपना रूट यों बदलती है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये अपना रूट ऐसे बदलती है, इतनी बात दिख रही है आप सभी साथियों को, थम्सअप करिए। अच्छा, यहां पर लगा हुआ है ये एक पर्दा, पर्दा मतलब एक इस तरह की चीज लगी हुई है जिस पर सांस टकरा रही है, टन टन टकरा रही है, ये है आपका वोकल कॉर्ड जिसकी वजह से आवाज आ रही है। ठीक है, यहां से आगे ये सांस अंदर चल रही, ये है लैरिंग्स, क्या नाम है इसका, ये समझ लीजिए लय लेने के लिए जो चीज काम में आए वो लैरिंग्स हो गई, इसी के चारों तरफ लिपटा हुआ है ट्रेकिया जो कि इस लैरिंग्स को एक साइज देके रखता है, यानी कि एक तरीके से समझो पाइप है उसके चारों तरफ छल्ले लगे हुए हैं। अरे तुम सब करिए, बात समझ में आ रही हो तो डन, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, जब आपको ये बात समझ में आई तो इधर से देखो, हमने नाक से सांस ली वो इस प्रकार से होके चली गई। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताइए, हम जो भोजन करते हैं उसके साथ क्या होता है, मैंने कहा वो भी बता देते हैं। देखो बेटा, आपने भोजन किया, ये आपका भोजन यहां से इन हुआ, आपने इसको चबाया, जीभ के माध्यम से आपने इसको लपेट दिया सलाइवा के अंदर, अब ये अंदर चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, आपके इस तरफ यानी कि ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ये लगा हुआ है युवला। हाँ भाई, युवला की लोकेशन दिखाई दी हो तो थम्सअप करिए, समझ में आया, ये क्या कर रहा है, आपने जैसे ही भोजन लिया ये युवला शिफ्ट होकर के यों चला गया, है मजेदार, ये युवला इधर चला गया, आपका भोजन अब अंदर एंट्री किया, ये देखिए कर गया। अच्छा, अब अंदर एंट्री किया तो यहां दो रास्ते हैं,
क्या क्या रास्ते हैं, या तो भोजन इधर जाए या फिर भोजन इधर जाए। बोलिए यस और नो, मतलब थम्स अप करिए। ये बात समझ में आ गई, दो रास्ते दिखाई दे गए, अच्छी बात है। लेकिन इसी समय पर देखो एक गेट लगा हुआ है यहां पे, चोंच जैसी चीज लगी हुई है, दिखाई दी। अच्छा, आपके भोजन के दबाव में जब भोजन का वजन पड़ा तो ये जो चीज है ना ये दब गई और दब करके यहां एडजस्ट हो गई। देखिए दोबारा से, मैं एक बार इरेजर के उपयोग से आपको फिर से दिखाता हूं। देखें आप क्या कह रहा हूं मैं, फिर से देखिए। मैं कह रहा हूं कि आपने ये जो चीज देखी, ये वाली जो चीज थी, ये जैसे ही आपका भोजन इधर आया ये वाली चीज अपने आप को दाब दे करके इधर एडजस्ट हो गई। हम सब करो अगर बात समझ में आई हो तो। ये बिल्कुल ढक्कन यो बंद हो गया, ये किसके आगे बंद हो गया, लैरिंग्स के आगे बंद हो गया। डन। ये ढक्कन जैसे ही बंद हुआ आपका भोजन सीधा यहां से चला आ रहा था, सीधा सीधा निकल गया। जिसमें ये गया यहां से इस क्षेत्र में जहां पर ये अटका, ये जगह तो थी फेरिंग्स, फेरिंग्स में तो सबका आना जाना लगा रहा, लेकिन लैरिंग्स में तो सांस गई। और ये जो नली जिसमें भोजन सीधा चला गया इसे हम ईसोफेगस कहते हैं, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। अगर ये बात समझ में आई हो तो थम्स अप करिएगा। तो लैरिंग्स और ईसोफेगस दो पाइपलाइन है, एक भोजन का पाइप है और एक सांस का पाइप है। अब लॉजिकल सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, बोले सर मुझे तो डाउट ये है कि हम लोग जब भोजन कर रहे थे भोजन सीधा इधर गया, अच्छा, लेकिन सर एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि जब सांस ले रहे थे ना, आपने कहा था कि जब सांस लेते हैं हम तो सांस जो है वो इधर की तरफ मुड़ जाती है। आप में से बहुतों के दिमाग में डाउट बनेगा, और कही तो भाई साहब मैं रेलवे के बैच में पढ़ा रहा था एक बार, उन्होंने तो हालत खराब कर दी थी मेरी, है ना। हुआ ये कि ये वाला जो भोजन है ये सांस जो है ये इधर मुड़ गई, सर ये इधर क्यों नहीं गई। मैंने कहा बिल्कुल सही है, सांस के लिए भी कोई ढक्कन होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, थम्स अप करो। बोले सर सांस तो इधर की तरफ जानी चाहिए थी, इधर क्यों नहीं गई। अब मैं आपको बताता हूं, सांस लेने का काम आपके नाक से नहीं होता है। क्या बात है, बोले सर पागल हो गए हो क्या, नाक से तो लेते हैं हम सांस। मैंने कहा नहीं। बोले तो, मैंने कहा डायफ्राम है ना, डायफ्राम। बोले ये क्या है सर। मैंने कहा मान लो ये आप हो, ये आपकी गर्दन है, ये आपका सिर है, ये आपका पेट है, मैंने मेरा पेट बना दिया, चलो ठीक है। अच्छा, आपके इस धड़ के यानी कि चेस्ट के और पेट के मध्य में यहां पर एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसका नाम है डायफ्राम, जिसका नाम क्या है, डायफ्राम। बोले ये क्या करती है। मैंने कहा ये जब अंदर बाहर होती है तो यहां लगे हैं आपके फेफड़े, ये फेफड़े इस डायफ्राम से अटैच्ड हैं, ये जब नीचे होती है तो ये फेफड़े नीचे खिलते हैं, ये जब झिल्ली ऊपर होती है, यानी कि डायफ्राम कैसे चलता है, या तो यों काम करेगा या यों काम करेगा, यानी कि या तो ये यों रहेगा या फिर ये यों रहेगा। यदि ये नीचे दबती है तो डायफ्राम बड़े होते हैं, यदि ये ऊपर दबती है तो डायफ्राम छोटे होते हैं। थम्स अप करिए, ये बात समझ में आ रही हो तो। जब ये नीचे खींचे तो डायफ्राम बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो मतलब एकदम आपने लंबी सी सांस खींची, मतलब एकदम वो लिफाफा खुला, जैसे ही लिफाफा खुला आपके कई बार नहीं, वो एकदम जो सांस खींचती है ना अंदर की तरफ, तो वो फेफड़े बड़े हुए, वो फेफड़े बड़े हुए तो वह नाक को ऑर्डर मिला कि इसमें भरने के लिए हवा लाओ, और वो भरने की हवा चूंकि यहां से डिमांड क्रिएट हुई है इस लैरिंग्स के माध्यम से, निम्न दाब का क्षेत्र बना है क्योंकि अंदर की तरफ फेफड़े हवा को मांग रहे हैं, तो ये हवा यों की यों निकल जाती है। आपके पेट में उस हवा को किसी ने इनवाइट नहीं किया, आपके पेट यानी स्टोमक में किसी ने उस हवा को इनवाइट नहीं किया। आमाशय ऐसा नहीं है कि डायफ्राम की वजह से ऊपर नीचे चल रहा है। अरे बोलिए, ये बेसिक बातें कहीं पढ़ लेना नहीं मिलेगी आपको, समझने में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों होता है, विद्यार्थियों के मन में डाउट रह जाता है, व्यवहारिक जीवन का डाउट है ये। ऐसे ही दूसरा सवाल, सर फिर एक बात बताइए, ये जो भोजन हमने लिया यहां से
ये भोजन हमें धांस क्यों लगा देता है कई बार? हमने कहा हाँ, अब बताते हैं हम आपको। हमने कहा एक बात बताओ, हमने आपसे कहा कि यहाँ पर वोकल कॉर्ड है जो बजता है, जन 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 जन, आपकी जो आवाज आ रही है ना वो इसी के कारण आ रही है। आपको पता है ये अपने आप नहीं बजता है कि आपका बोलने का मन किया और बज गया। एक तरीका बताएं आपको, आप सांस मत लीजिए और बिना सांस लिए बोल के दिखाइए। एक बार दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, आप बिना सांस लिए बोल के दिखाइए, आप बोल ही नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे अरे सर जाइए, वो है ना शंकर महादेवन, उसने तो ब्रीथलेस गाना गाया है, नाम ही है उसका बिना सांस के। मैंने कहा उसने बिना सांस लिए गाना गाया है, सांस छोड़ते हुए गाना गाया है। आप में से कुछ पुराने विद्यार्थी हो जिन्होंने मतलब कभी ब्रीथलेस गाना सुना हो, वो कभी सुनिएगा, उसने शंकर महादेवन ने एक सांस में वो पूरा गाना गाया है, ब्रीथलेस नाम से ढूंढिएगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर उसने गाना सांस छोड़ते हुए गाया, मतलब क्या है, जब तक इस जगह पर कोई भी हवा या तो आते हुए ना टकराए या जाते हुए ना टकराए ये बजेगा नहीं। यानी इसकी ढपली बजना तभी तय है। अरे यार बचपन में आप सबने बांसुरी बजाई होगी, श्री कृष्ण भगवान की जो अपन बांसुरी समझते हैं बचपन में, अपन सबको खिलौनों के अंदर मेलों में मिलने वाला सबसे सस्ता जो अपने लिए तोहफा हुआ करता था वो बांसुरी हुआ करता था, फ्लूट जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। उस फ्लूट को क्या रखे रखे कोई बजा सकता है क्या? या तो फ्लूट में हवा दोगे तो बजेगी। आप लोगों ने कई बार पपैये बजाए होंगे, वो विसिल्स मिलती हैं, या तो पपैये में हवा देते हो तो बजती है या खींचते हो तो आवाज आती है। दोनों ही स्थिति में आवाज के लिए उस रास्ते से होके गुजरना जरूरी है। तो वोकल कॉर्ड में ये जो आपका बजा हुआ द्वार है ना, यहां से हवा का बजना जरूरी होता है। तो हम क्या कह रहे हैं धांस क्यों आती है? तो होता क्या है, कई बार आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते अचानक आपको बोलने का मन किया। अब देखिए आप में से कुछ लोगों को बोलने का मन किया, कई तो समझदार होते हैं कि जो हवा भरी है फेफड़ों में उसी के माध्यम से बोल रहे होते हैं, खाना खाते खाते जो अंदर से हवा आ रही है उससे बोल रहे हैं। कई बार आप खाना खाते खाते अंदर का मामला खत्म हो गया, हवा खत्म हो गई, आपका डायफ्राम नीचे सरक गया और उसने हवा मांग ली, उसने हवा मांग ली, कौन सी, ऐसे करके भोजन करते करते सांस खींच ली आपने और बोल पड़े आप। तो खाते खाते जब आप बोले तो खाना भी अंदर जा रहा था और हवा भी अंदर जा रही थी। तो भाई साहब खाने को टेक्निकली तो इधर जाना चाहिए था लेकिन हवा की डिमांड आते ही वो इधर चल दिया, हवा की डिमांड आते ही वो इधर चल दिया। जब इधर चल दिया तो इसकी वजह से आपको जोरदार धांस लगी, जो खें 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 खांसते हो ना खाना खाते खाते, फिर घर वाले कहते हैं अरे खाते समय बोलते नहीं है। लॉजिक समझ में आया किसी को? क्लियर हो गया? ये थी सारी की सारी कहानी। फिर बोले सर कई बार हमारे घर वाले ये कहते हैं तेरे को भूख नहीं है इसलिए तेरे को धांस आ रही है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि तेरे को भूख नहीं है इसलिए तेरे को धांस आ रही है, उसका भी रीजन उनका सही है। रीजन, आपने भोजन किया, आपका ईसोफेगस जो है वो उसको अंदर ही लेना नहीं चाह रहा है, उतना मामला ठूसा पड़ा हुआ है उसके अंदर, ईसोफेगस अंदर ही नहीं सरका पा रहा है, ये जो खाने की पाइप है ग्रास नली ये अंदर ही नहीं ले जा रही है। ऐसी स्थिति में जो भी भोजन है वो सांस के साथ अटक झटक के इधर चला गया तो भी आपको कई बार धांस आ जाती है। ये सिंपल सी बात हो गई जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ जानी चाहिए। मैंने पूरी तरीके से आपको बात समझा दी है, ग्रास नली समझा दी, गला समझा दिया। हाँ भाई एक चीज और समझ लीजिए, आप जब टंग ऊपर करते हैं तो एक धागा सा जुड़ा हुआ है, इधर देखिएगा एक वो लगी हुई है, अगर देखा हो तो कभी आपने जीभ के नीचे, है ना, वो एक तार सा वो रहता है ना, छोटी सी परत सी लगी हुई है स्किन की, उसे हम फ्रेनुलम कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा ये जीभ के अंदर का दृश्य है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर मान लीजिए यूवुला लटका हुआ है। तो देखिए ये तो काफी अंदर का दृश्य दिखाने का कोशिश किया है, मतलब ये अलग तरीके से काट दिया गया है, अंदर ले गए इसको। अगर मैं इसको यहां से जोड़ देता, ये असल में ये जोड़ने वाली चीज है, ये पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगी शायद, ये यों जुड़ा हुआ है, ऊपर से यूवुला लटका हुआ है और इसके किनारे पर यहां पर ये टॉन्सिल उपस्थित होते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको ये भी दिखाई देता हूं, रुकिए, क्योंकि कई बच्चों को टॉन्सिल का भी डाउट होता है, साहब मेरे तो टॉन्सिल हो गए, साहब मेरा टॉन्सिल हो गया, गला खराब हो गया साहब। तो साहब आपका गला वाला कुछ खराब नहीं होता, कुछ भी टॉन्सिल वॉन्सिल कुछ नहीं होते, अभी हम बताते हैं आपको, रुकिए। हालांकि ज्यादा ही मेडिकल साइंस हो जाएगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी पढ़े तो अच्छा तो पढ़ लें।
देखिएगा, वन मिनट, देखिए सर दिख रहा हो तो थम्स अप करिएगा। अच्छा अब देखो भाई, ये आपके दांत हैं, दिख गए, अच्छी बात है। अब यहां पे आप अपने ऊपर हाथ लगा के देखिएगा, अभी पढ़ते पढ़ते लगा के देख लो, आपके इस तरफ वाला जो हिस्सा है ना, ये टाइट है, ये थोड़ा टाइट है ना, मतलब दमदार है, मजबूत सा है ये इसको कहते हैं हार्ड पैलेट, प्लेट नहीं है ये, पैलेट है, जैसे प्लेस और पैलेस में अंतर होता है ना, ऐसे ये पैलेट है। इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ से पीछे सरकोगे तो यहां पर ये सॉफ्ट पैलेट है। इसका नाम क्या है? सॉफ्ट पैलेट, प्लेट नहीं है, जैसे प्लेस और पैलेस अलग अलग होता है। अरे जैसे प्लेस और पैलेस अलग अलग होता है, ऐसे ही प्लेट और पैलेट अलग अलग है, ठीक है ना, ये पैलेट है। तो ये जो पैलेट है जनाब, इस पैलेट के पास में ही लटका हुआ है यूवला, ये मैंने बता दिया, ऊपर नेजल कैविटी में जाने से रोक रहा है। इसके बगल में यहां पर स्थित है टॉन्सिल। क्या स्थित है? टॉन्सिल। कहने का मतलब ये है, आप में से कई लोग बोलते हैं साहब मेरे तो टॉन्सिल हो गए, साहब मेरे तो मतलब मैंने आइसक्रीम खा ली टॉन्सिल हो गए। जनाब वो टॉन्सिल नहीं हुए, टॉन्सिल तो थे आपके, आपके टॉन्सिलाइटिस हो गया। दोबारा सुनिए सर, आपके टॉन्सिल तो पहले से ही थे, ये तो हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं, आपके टॉन्सिलाइटिस हो गया है। टॉन्सिल्स तो शरीर को मिलते ही हैं। बोले टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? ये जो टॉन्सिल है ये सूज जाते हैं तो टॉन्सिलाइटिस बन जाता है, इनमें जब स्वेलिंग आ जाती है तो टॉन्सिलाइटिस बन जाता है। बोले ये सूजते क्यों है? भाई होता क्या है कि आपने जो भोजन किया ना, उस भोजन में बैक्टीरिया जो है, अब बोले एक तो ये बताओ सर इस टॉन्सिल का काम क्या है? बोले आपको बताते हैं, आप में से कई बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जिन्होंने अपने टॉन्सिल का ऑपरेशन भी करवा रखा होगा, है ना, और नहीं तो डॉक्टर उनको सलाह दे चुका होगा, भाई साहब टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लो, सुना होगा ना आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि आपने गर्मियों में जितनी भी आइसक्रीम खाई है, ये सूज करके एकदम कुप्पा हो जाती है, दर्द होता है बुरा वाला, कान दुखता है, बोलने में दिक्कत होती है, कईयों को खर्राटे आने लगते हैं इस टॉन्सिल की वजह से, ठीक है ना। असल में क्या है कि ये जो टॉन्सिल है, इसका प्रमुख कार्य है भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को मारना। आप जो भोजन कर रहे हैं, इन भोजन के साथ साथ जो भोजन में बैक्टीरिया या कोई ऐसा पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको मारने का काम कौन करता है? आपका प्रॉपर वाला टॉन्सिल कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बोले सर हमको टॉन्सिलाइटिस होता क्यों है? भाई जब आपने इतना इन्फेक्शियस चीज ले ली कि टॉन्सिल जज ही नहीं कर पा रहा, आपने बहुत ज्यादा ठंडा खा लिया, ठंडा खा लिया तो ये इसकी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का आदि है टॉन्सिल, मतलब इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जिस समय पर ये काम सबसे अच्छा कर पाए, आपने एकदम सर मतलब अतिरिक्त मात्रा में इसको ठंडक पकड़ा दी, सूज गया बेचारा। क्यों सूज गया? बोले अब साहब इसको इतना स्वेलिंग आ चुका है क्योंकि ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो छोड़ो खुद की जान बचाने के लिए भूल गया, स्वेलिंग होना जो है वो किसी भी चीज का विरोध का कारण बनता है। आपको मालूम होना चाहिए आपके टॉन्सिल में मुख के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है तो वो टॉन्सिल में पाई जाती है। आपके जितने भी एंटीजन आपके शरीर में एंट्री करते हैं उनको मारने का सबसे प्रमुख कार्य तो आपके टॉन्सिल करते हैं। फिर आप पूछेंगे सर मैंने तो टॉन्सिल हटवा लिए अब मेरा क्या होगा? देखिए मेडिकल साइंस अब खुद कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के कि टॉन्सिल का ऑपरेशन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टॉन्सिल जिनके फूल जाते हैं वो लटक जाते हैं, लेकिन आप उन्हें नॉर्मल तरीके से सही करिए, आप उन्हें गर्म पानी पी करके या फिर अपना जो भी नित्य क्रिया में परिवर्तन ला सकते हैं उनसे ठीक करिए, आपके शरीर में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, इनका उपयोग ना पता हो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन परेशानी आई तो कई लोग टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाते हैं, इन्हीं टॉन्सिल्स को हटवा के रखवा देते हैं, ऐसा ना करिएगा, भविष्य में भी आपको ये मौके मिलेंगे, मत करना, ठीक है ना। नॉर्मल पानी पी के, गर्म पानी पी करके, कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करके, हाइजीनिक खाना खा के आप इसे सही कर सकते हैं। तो साहब ये चिकित्सकीय सलाह मैंने आपको मुफ्त में दे दी, इतने तो पैसे भी नहीं दिए आपने मेरे को, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये भोजन का पूरा के पूरा मैंने आपको सारा सिस्टम समझा दिया। हाँ भाई ये आपका मुख हो गया सारा ईसोफेगस, अब ईसोफेगस तक चलते हैं साहब। ये ईसोफेगस में भोजन उतार दिया आपने, ये रहा ईसोफेगस, इसका कोई काम नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है, बस ये नली है जिसमें भोजन डला था और ये भोजन डल करके नीचे निकल गया, बस इतना ही कार्य था ईसोफेगस का, है ना।
तो ये पाइपलाइन है, और जो पाइपलाइन जो पहुंचाने का कार्य कर रही है वो कहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, स्टोमक तक। आपका जो पेट यानी स्टोमक जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर की तरफ डायफ्राम लगा हुआ है, मतलब ये समझ लो डायफ्राम से नीचे पेट है। यही तो होता है कि आपका किसी का पेट अगर बाहर निकल रहा हो तो वो छाती के नीचे ही बाहर निकलता है, आप कितना भी खा लेना छाती बाहर निकल के नहीं आ जाएगी, 56 इंच की नहीं हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आपके धड़ के नीचे ही है, तो डायफ्राम जो है उसके नीचे पेट उपस्थित होता है। यहां पर आपका धड़ ये वाला जो हिस्सा है यहां पर आपके पूरा के पूरा तंत्र लगा हुआ है, और इसके बाद में ये स्टोमक आ गया। तो अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं सर, क्या है ग्रास नली के बारे में। देखिएगा, ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, ये मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं। कार्टिजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस, ये मैं आपको बता चुका हूं। द स्वेलो फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप ईसोफेगस, ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब, ये आपको बता चुका हूं। एक्सटेंडेड पोस्टियोरली फर्दर बैक इनटू द पोर्शन पासिंग टू द नेक, थोरैक्स एंड द डायफ्राम लीड टू द चेक, कुछ भी नहीं है इसमें से बताने लायक, ठीक है सर। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं आप लोगों को यहां से आगे बता सकूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए बस वो इतनी है कि ये वाला जो पूरा के पूरा आपका भोजन है, ये भोजन आपके पेट तक पहुंचने के लिए मतलब जिस रूट का फायदा ले रहा है वो ईसोफेगस है ना। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बनती है, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो आपको मैं बता देता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपने भोजन किया वो नीचे उतरा कैसे। आप लोग कई बार गटकने की आवाज करते हैं, गटक रहे हैं अपन, कई बार आप भोजन करते हैं तो यहां से वो आती है, क्या कहते हैं ना उसको, निशान सा बनता है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो गटकते समय ऊपर नीचे कईयों के गले के अंदर आपको वो दिखता है अच्छा सा गटकने पर, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो एक्चुअली क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो गटकने का काम है ये ईसोफेगस का काम है, गटकना ही बोलते हैं आप, पता नहीं आप लोग तो क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला जो काम है ये किसका काम होता है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या कहते हैं इसको, ईसोफेगस का काम है, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो क्रमानुकुंचन की गति करती है। इसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैं इसको भूल रहा हूं, मैंने इसको गूगल भी किया लेकिन पता नहीं चला। इसे क्रमानुकुंचन की गति कहते हैं, मतलब आगे पीछे सरकाना, क्रमानुकुंचन मतलब यो सरका सरका के आगे ले जाना। हम गटकते हैं तो ये आगे पाइप एक दूसरे से खाने को आगे धकेलता है, ये है ना, गटकने में मदद देता है, आप ढूंढ लेना, क्रमानुकुंचन की गति है। जैसे कि कई बार आपने गिजाई चलती देखी होगी ना, तो वो ऐसे उठ उठ के आगे पीछे चलती है, यो आगे बढ़ती है फिर आगे चलती है सरकती है ऐसे करके, है ना, ऐसे ही है ये। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो ईसोफेगस है यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है, कहां पर बेटा, ये जो ईसोफेगस स्टोमक में जाता है यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है, उसका नाम है स्फिंक्शर, ईसोफेगस स्फिंक्शर, ईसोफेगस ये है ईसोफेगस, यहां पर वॉल्व लगा हुआ है, यहां पर वॉल्व लगा हुआ है और उसका नाम है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की तो स्पेलिंग आप लिख ही लीजिएगा, और स्फिंक्शर, ठीक है, बोले अच्छा ये क्या काम करता है भाई, ये क्या काम करता है कि आपने जो भोजन लिया ना, अब वो भोजन स्टोमक में चला जाए। अब साहब भोजन आया ग्रास नली से होता हुआ, आपने उसको धकेल दिया, किसमें आपने धकेल दिया, आमाशय में। अब कई बार आपने देखा होगा कि ये वाला जो, अच्छा यहां पर एक वॉल्व है उसको आप ऐसे समझिए, ये एक पाइपलाइन है, सोच के देखिए, ये एक पाइपलाइन है जिसमें से भोजन आ रहा था, है ना। यहां पर जो है ये प्रॉपर तरीके का आपका एक स्टोमक लगा हुआ है, ये रहा स्टोमक, हो गया, यहां पर छोटी आंत लगी हुई है, यहां पर जनाब एक वॉल्व है, इस वॉल्व को मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं, लीजिए कैसा है वो वॉल्व। मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे करके दिखा देता हूं, ठीक है सर, ये वॉल्व दिखाई दे गया, अच्छा थम्स अप करिए वॉल्व दिख गया हो तो। इसका नाम है स्फिंक्चर, ईसोफेगस स्फिंक्चर, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्चर। अब क्या है जनाब कि जो भोजन आया, मान लो ये भोजन था, ये आया इसके ऊपर पड़ा, भोजन अंदर गया, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। जब ये बात समझ में आ गई तो इसके दबने से ये दबा होगा, भोजन नीचे की तरफ चला गया। अब इसमें जो है वो भोजन भर गया, इसमें भोजन भर गया। अब सवाल बनता है सर, भोजन भर गया तो भोजन भरने के बाद क्या वो वापस ईसोफेगस में नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल जा सकता है, कैसे जाता है? लेकिन सर आपको मालूम है यहां पर एक चीज लगी है, मैंने कहा क्या, स्फिंक्चर लगा है, मैंने कहा वो कैसा वाल्व है, बोले वो वन वे है, आपका वजन पड़ा तो वो यूं नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वो वापस आकर के बंद हो गया,
बोलो भाई, थम्स अप करो, बात समझ में आई हो तो। जो चीज यों दबी थी वो तो यों थी, इसके बाद चढ़ करके वो वापस बंद हो गई। तो ये जो कार्य हुआ जिसकी वजह से ये बंद हो गया ईसोफेगस, ये बंद होने से आमाशय का भोजन बाहर नहीं आता। फिर आप में से कई विद्यार्थी पूछेंगे, सर लेकिन कई बार खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी डकारें क्यों आती हैं सर? डकारें समझ लो ना, बर्फ लेना जिसको आप कहते हैं, कई बार मतलब खट्टा पानी आपके गले तक आ जाता है। आपको पूरा डॉक्टर बना के छोड़ूंगा मैं, हालांकि मतलब समय से ज्यादा चल रहा हूं मैं, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर ये इंटरेस्ट का पार्ट है इसलिए खींच दिया मैंने, क्योंकि आदमी खाता ही कमाने के लिए है, कमाता ही खाने के लिए है, माफी चाह रहा ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है जनाब, सवाल बना कि सर ये वाला जो पॉइंट है यहां से हमको खट्टी डकार कैसे आई? मैंने कहा भाई जो आपका स्टोमक है ना, उस स्टोमक के अंदर जो जूस है यानी भोजन का जो जूस है वो HCl है, यानी कि जो आप बहुत सारी चीजें म्यूकस भी है, HCl भी और एंजाइम्स भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्या समझिए HCl है। आपने भोजन किया नहीं तो लोअर स्फिंक्टर को कुछ पता ही नहीं है, आपके इस गैस्ट्रिक मीडियम के ही कारण जब भोजन। अच्छा एक बात और बताते हैं, बचपन में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि किसी कुत्ते को समय समय पर अगर बिस्किट डालते हो तो उसको उस समय पर, एक बचपन में अपन एग्जाम्पल पढ़ते थे ना कि घंटी बजा करके एक कुत्ते को अगर बिस्किट डाला गया तो बिस्किट खाने के साथ साथ उसको घंटी की भी आदत पड़ गई। तो जैसे ही एक दिन आपने केवल घंटी बजाई लेकिन बिस्किट नहीं दिया तो भी कुत्ते के मुंह से लार निकल गई, अपन पढ़ते थे बचपन में, अब वो प्रयोग था, नाम भूल गया किस वैज्ञानिक का था। तो इस प्रकार का आपके शरीर के साथ भी है, आपके शरीर को किसी नियत समय पर भोजन करने की आदत है। अगर आपके शरीर में भोजन सही समय पर नहीं पहुंचा तो आपके शरीर के अंदर, स्टोमक के अंदर जूस निकलने शुरू हो चुके हैं। आपके शरीर में भोजन की एब्सेंस में भी जूस निकलने शुरू हो चुके हैं कि इस समय भोजन आता था, हमें निकलना होता था, उसकी मार पिटाई करनी होती थी, लेकिन आपने फास्ट कर लिया, आप 9 बजे खाना खाने वाले व्यक्ति थे, आप खाना नहीं खाए दिन भर, तो ऐसी स्थिति में वो जूस तो आपके शरीर में आ गए। अब वो क्या करेंगे, वही जूस जो है वो भैया ऊपर निकल आते हैं, कई बार गलती से स्फिंक्टर दबा रह जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये ऊपर निकल के चले आते हैं और आपके मुंह में खट्टे खट्टेपन का जो स्वाद आने लगता है वो असल में HCl के कारण होता है। तो उम्मीद है मेरे सभी साथियों को मैंने थोड़ा सा चीजों का जो ज्ञान दिया था वो समझ में आया होगा। कुछ चीजें क्लियर हुई? वॉमिटिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, वॉमिटिंग के अंदर भी यही वाला स्फिंक्चर दबा रह जाता है और आप लोगों को वॉमिट का हिस्सा हो जाता है। डन, यही स्फिंक्चर दबा रह जाता है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं रियली आप इंडिया के नंबर वन टीचर हो। अरे भैया नहीं, आपको इंटरेस्ट आता है, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो मैं पढ़ाता हूँ, ले जाता हूँ। लेकिन इतना दावा कर सकता हूं कि बहुत पहली बार आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पहली बार बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, है कि नहीं? आज अब एक बात और सुन लीजिए, शाम को 7 बजे चल रहा है आपका क्रैश कोर्स, लेकिन निवेदन है, मैंने क्रैश कोर्स में